हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सुरकार और मैं गौरव गोल्डन रूफटॉप चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और ये वीडियो में हम स्पेशल करेले के बारे में बहुत ऐसी कुछ नायाब बातें आपको बताएंगे जिससे करेले की प्रोडक्शन बिल्कुल एकदम बढ़ जाएंगी। देखो हमारे बेल में कितने सारे बड़े बड़े यहाँ पे करेले लगे हुए हैं, आप इसे आसानी से देख सकते हो और इसकी साइज़ भी काफ़ी लंबी है। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कीजिए ताकि नए नए वीडियो हम आपके साथ साझा कर सके। देखिए हमारे की करेले की बेल कितने घनी हुए और इसमें देखो छोटे छोटे भी बहुत सारे करेले अब तक लगे हुए हैं। 10 दिन हो गए होंगे हमने करेले के ऊपर इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको हार्वेस्टिंग पूरी दिखाई थी। अब इसमें भी हार्वेस्टिंग के साथ कुछ नायाब बातें आपके साथ साझा करेंगे जो कि करेले के पौधे को बहुत ही अच्छे बनाते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े साइज के करेले यहाँ पर लगे, ये देखिए साइज। अगर इसको आज या दो दिन में हम नहीं करेंगे, हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो ये पक जाएगा। ये देखिए करेले यहाँ पे भी करेले गए, ये टूटा हुआ है और मैंने ये पका हुआ था, ये देखिए ये पका हुआ था, यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया, यहाँ पे इसके बीज भी बन गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम करेले के बीज समर के टाइम में या फिर जब गर्मी का सीजन होता है तभी हम इसके करेले के बीज उगाते हैं। मैं इसके बीज का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमारे पास बीज है, तो देखिए इसका जो आउटर कवरिंग होता है बीज का बहुत ही सख्त होता है और इसको नमी के साथ साथ बहुत ही टेम्परेचर यानी टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर में ही ये पौधा अच्छे से जर्मिनेट करता है। देखिए ये सीड को जर्मिनेट होने में थोड़ा टेम्परेचर चाहिए, इसलिए आप अभी करेले का पौधा नहीं लगा सकते। अगर आप जून या जुलाई के महीने में करेले के पौधे बोते हैं, हमने जून या जुलाई के टाइम में ही ये इसकी सीडलिंग तैयार की थी, या फिर आप इसे डायरेक्ट ही लगा सकते हैं। देखिए ये पौधे हमने उस टाइम में लगाए थे, तो आज देखिए बारिश के दिनों में भी अभी धूप नहीं है, टेम्परेचर भी लो है, लेकिन इसमें फ्रूटिंग हो रही है, कंटिन्यूसली इसमें फ्रूटिंग चल रही है। 10 या 15 दिन के अंतराल में देखिए छोटे छोटे करेले अभी इसमें बने हैं और छोटे छोटे साइज के और भी बहुत सारे करेले देखिए। और इसकी वेराइटी आप देख लीजिए, ये लंबे करेले हैं यानी इसकी लेंथ बहुत ही, अगर ये करेले को हम 4 या 5 दिन और रहने दें तो इसकी साइज यहाँ तक आ जाएंगी। आप हार्वेस्टिंग में इससे पहले आपने देखा ही होगा, हम आपको दिखा भी सकते हैं। अगर हम मिट्टी की बात करें तो करेले के पौधे को मिट्टी थोड़ी भुरभुरी चाहिए या फिर ऐसी मिट्टी बनाइए आप जिसमें पानी बिल्कुल ही ना रुके, यानी बालू मिश्रित मिट्टी में ये पौधा 100% प्रोडक्शन देता है। एक बार गर्मी के सीजन में आप ये पौधा लगाते हैं या फिर जून या जुलाई के टाइम में टेम्परेचर बहुत ही गर्म होता है उस टाइम में आप ये पौधा लगाएंगे तो आपको निश्चित ही बारिश के दिनों में अच्छी सी अच्छे पैदावार मिल सकती है। तो देखिए हमारे पौधे अब इसके जो पत्ते पीले आ रहे हैं, हमें इसे डरने की कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई भी हमें इंसेक्ट का अटैक बिल्कुल ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पर पूरे पत्ते निकले हुए हैं, यहाँ पर पत्ते टूट रहे हैं, मैं इसको पत्ते को ऐसे ही रख देता हूँ, बाद में इसके हम कंपोस्ट बना सकते हैं। हमने ये पौधे को कोई भी क्लाइंबर नेट का तो सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे दो बाम्बू यानी जिसे हम बांस कहते हैं वो लगाए हैं और यहाँ से पौधे को अच्छा, ये हमारी भिंडी की खेती देख लीजिए कितनी बहुत सारी भिंडियाँ लगी है, रोज की या फिर दो दिन छोड़ के आधा किलो तक भिंडी इसमें निकल जाती है, खाते खाते परेशान हो गए लेकिन भिंडियाँ लगना नहीं रुक रही है। ये हमारी 1.5x2 की जो ग्रोबैक कह लीजिए या फिर जो हम जिसे कैरेट कहेंगे, कैरेट में फ्रूट कैरेट है, इसमें अच्छे से ये पौधा हरा भरा और अच्छे से ग्रो हुआ है। इससे हमें सफिशिएंट फ्रूटिंग भी मिल रही है। नीचे के पत्ते शायद मुरझाए हुए क्योंकि इसको मैंने पानी कम दिया और अभी लेटेस्ट पानी डाल के इसको वीडियो हमने बनाया है। मिट्टी हमेशा आप भुरभुरी रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तब पौधे में अच्छे से एरेशन का रेशियो अच्छे से बन जाता है और ये पौधा जल्दी ग्रो करता है, साथ ही साथ फ्रूटिंग भी देता है। अगर साइज़ की बात करें तो देखिए करेले के साइज़ ये शॉल की साइज़ से आप कंपेयर कर सकते हैं, बहुत सारे गार्डनर के पास ये शॉल होता है, इसके साथ में आप कंपेयर करके ये करेले की साइज़ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है जो कि हमें मार्केट में मिलती है। मैंने ये करेले के बीज सब्जी वाले के जो करेले होते हैं लंबे लंबे उसमें से निकाले थे और इसको जर्मिनेट किया तो रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। ये हाइब्रिड सीड है ना कि देसी सीड, लेकिन देसी सीड का जो स्वाद होता है बहुत ही अलग होता है। ये हमारा हाइब्रिड सीड है।
फिर से एक बार कंपैरिजन कर रहे, कंपैरिजन बिल्कुल ही नहीं रुक रहा, क्योंकि ये करेले के साइज देखकर मुझे बहुत ही खुशनुमा हो रहा है। आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वीडियो बनाने के 8 दिन पहले एक बार हमने पौधे की हार्वेस्टिंग की थी, यानी हमने इसके करेले फिर से एक बार तोड़े थे, तो फिर से इसमें अभी करेले बने हुए। लेकिन ये प्रीवियस हार्वेस्टिंग भी हमने रिकॉर्ड करके रखी थी ताकि आपको अच्छे से दिखा सके ये पौधे की या फिर ये करेले की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। मतलब हमने सब्जी वाले के जो करेले थे उनमें से जो बीज निकाला था उनका जर्मिनेशन भी अच्छा हुआ और उससे बहुत ही अच्छे क्वालिटी का हमें करेला मिला है। छुपे हुए करेले भी ढूंढना बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टास्क यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि करेले बाद में पक जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, और हरे पत्ते होने के कारण ये यहाँ से इजीली छुप जाते हैं, हमें अच्छे से जल्दी से नहीं दिख पाते। ये देखिए हार्वेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई, आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए इसकी अभी हार्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ग्राउंड लेवल में एक करेला है, इसे काट देते हैं। ये देखिए फिर हम टोकरी यहाँ पे रखेंगे और इजीली आपको ये दिख सकेगा। ये देखिए यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। ये देखिए करेला, ये भी और बड़ा हो सकता था लेकिन हमने इसे अभी कट कर दिया। ये देखिए ये करेला, देखिए आप इसकी साइज कितनी बड़ी है, इसको भी कट कर लेते हैं। ये देखिए ये भी हमारे अच्छी साइज का करेला बना, एक यहाँ पे लगा है। ये देखिए अगर गमले में इतने सारे करेले लगते हैं तो बहुत ही सफिशेंट है और बहुत ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट ये देते हैं। एक बार यहाँ भी देख लीजिए, ये भी करेला बहुत ही लंबा है लेकिन यहाँ से पक सकता है, तो हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं और अंदर के साइड में बहुत सारे करेले यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये देखिए लंबा लंबा करेला, इसको बड़ा होने देते। ये भी यहाँ पे है और यहाँ पे भी देखिए हैंड पॉलिनेशन इसका मैंने कुछ भी नहीं किया प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पे अच्छे करेले लगे हुए हैं। तो देखिए हमारे अब ये हार्वेस्टिंग, ये देखिए एक यहाँ पे एक बचा है करेला, इसको भी हम तोड़ लेते हैं। ये देखिए इसकी भी ग्रोथ अच्छी हुई है। ये देखिए यानी इतने सारे करेले में एक सब्जी आराम से बन जाती है और आज की हमारी हार्वेस्टिंग है। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कीजिए ताकि नई नई वीडियो हम आपके साथ साझा कर सके। और ये देख लीजिए हमारी हार्वेस्टिंग, और मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।